तो जैपनीज कॉमिक बुक्स को कहते हैं मांगा, और जिन कैफे में ये मांगा कॉमिक्स की लाइब्रेरी हो उसे कहते हैं मांगा कैफे। अब उसमें थोड़ा सा इंटरनेट ऐड कर दो और ऐड कर दो कमरे जो कि माचिस के डिब्बी जैसे हों तो वो कहलाते हैं इंटरनेट कैफे। तो ये वीडियो उन्हीं तरह के कैफेज के बारे में है। तो यहाँ इंटरनेट, मांगा और छोटू रूम्स के अलावा और भी सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे वीडियो गेम्स, वीआर गेम्स, नाबालिग वीआर मूवीज, बालिग वीआर मूवीज, शावर, फोन चार्जर, खाना खचाना और भी बहुत सारी चीजें। तो एक नॉर्मल इंटरनेट कैफे का रूम इतना बड़ा होता है, बिल्कुल जगह नहीं होती वहाँ पे। तो ऐसे दिखते हैं आगे इंटरनेट कैफे, यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते, खुला हुआ है पूरा खुला हुआ है। तो इस रूम में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ कुछ लाइब्रेरी जैसा सिस्टम होता है, आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ मांगा पढ़ने के लिए है। तो मैंने दूसरा रूम बुक किया जो वीडियो गेम रूम था। तो ये है जापान का मांगा कैफे। तो लास्ट टाइम मैं गया था एक छोटे से रूम में, उसमें रूफ खुली हुई थी तो उसमें मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तो अब आ गए हम बड़े रूम में, तो ये वाला जो रूम है इसमें मैं बात कर सकता हूँ। तो मांगा में ना दो तीन तरह के रूम होते हैं, तो ये वाला जो रूम है प्राइवेट रूम है, इसमें ना वॉल्स वगैरह होती हैं और छत भी होती है, बाकी रूम में छत नहीं होती। तो वो एक तरह से बुक्स पढ़ने के लिए है, वेब सर्फिंग के लिए है, या जिनकी ट्रेन छूट जाए वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो रूम है ये है वाइड रूम, इसमें दो लोग बैठ सकते हैं। और इसमें भी तीन तरह के रूम होते हैं, एक होता है वन वॉज टीवी रूम, वन वॉज गेम रूम, वन वॉज गेम प्लस पीसी रूम, कराओके रूम। हाँ, उसमें कराओके रूम भी होता है। तो ये है गेम रूम। तो गेम है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस पीसी की कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन है विंडोज 10 डली हुई है और थोड़ा आउटडेटेड है, मतलब i7 है, मतलब i7 तो पुराना ही है। 16 GB रैम और इसका वो चेक करता हूँ ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड भी ऐसे ही है, मतलब RTX सीरीज है 2080 की। हाँ, एक तरह से है तो गेमिंग का है, लेकिन मुझे सही लगा इसमें कंट्रोलर भी है। देखो यहाँ पे आपको कंट्रोलर दिया गया और सबसे बेहतरीन चीज़ VR, और इसको बाद में लगा के खेलता हूँ। और इस रूम में क्या क्या सर्विसेज हैं आपके पास? टीवी आपके पास है, आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, खाना वो यहीं दरवाजे पे आएगा और खाना बना के आपको सर्व कर देगा। मटन करी? नो मटन करी। और क्या है यहाँ पे? There's also shower room and coin laundry. हाँ, and free towel. इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं, लेट्स चेक इंटरनेट स्पीड। जो मेरे घर पे इंटरनेट है उसकी 60 Mbps आती है, मतलब बोलने का तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन जो एक्चुअल दिखाता है वो स्पीड टेस्ट से चेक करता हूँ। तो जी, डाउनलोड है 800 Mbps, अपलोड है 34.56 Mbps। तो एक बार अपने कंप्यूटर से चेक करना है इसी वेबसाइट पे आपकी कितनी स्पीड आ रही है, मतलब 800 Mbps तो बहुत होती है डाउनलोड स्पीड। इंटरनेट कैफे है तो डिजर्व भी करता है, मतलब स्पीड धीमी हो तो ऐसे कैसे चलेगा ना दीदी। In Japan, there is social problem that people don't get job and come stay in this internet cafe because internet and all the air conditioning and shower are free. So that's the social problem we have in Japan. तो यहाँ पे जो वो रहता है ना, यहाँ पे जिन लोग पे घर नहीं होता है या फिर जो रेंट नहीं कर पाते हैं, सैलरी वैलरी कम होती है, तो वो ऑफिस के पास इसी तरह के मीडिया कैफे बुक कर लेते हैं और इसी तरह के प्राइवेट रूम बुक कर लिए और बहुत सस्ता होता है तो वो लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इनफैक्ट जिनकी लास्ट ट्रेन मिस हो गई, जिनके घर में मतलब फैमिली के साथ रहते हैं जो लोग, और उनको जैसे गेम खेलना हो, कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे, मांगा पढ़नी हो तो यहाँ आ जाते हैं। तो बहुत कॉमन यूज़ होता रहता है ये चीज़। तो ये जो कंप्यूटर है ना, इनका एक सॉफ्टवेयर भी पड़ा हुआ है इसी के अंदर। तो बेसिकली इन कंप्यूटर का यूज़ क्या है, वैसे तो गेमिंग कंप्यूटर है, स्पेक्स आपको दिखाई दिए। इसमें और भी सेक्शंस हैं, जैसे आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो, जॉब ढूंढने आते हैं लोग, और MSX, वो MS Excel, PowerPoint सारा पड़ा हुआ है, और Zoom कॉल्स वगैरह करनी हो तो वर्क फ्रॉम होम वाला भी हिसाब है। तो लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। पहले एक एक करके आपको मोटा मोटा ऑप्शन समझा देता हूँ। हाँ, तो पहला तो इंटरनेट का ऑप्शन है, मतलब देख रहे हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम वगैरह। Second है ये manga है, तो ये टीना बताएगी, मैं तो manga पढ़ता हूँ। What is this? In Japan, there many people read manga. तो सरल भाषा में कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर ना manga library है, ढूंढने से अच्छा ये है कि तुम यहाँ पे सर्च करो, इसे यहाँ पे टाइप करो, एंटर मारो, तो उस लाइब्रेरी में दिखा देगा कि 27th कॉलम पे या फर्स्ट रो 26 पे ये पढ़ी है, 23 पे पढ़ी है, 23 पे पढ़ी है। Why did you make me explain? No, I'll put yours too. Fast forward. तो थर्ड वाला है क्या है? What is this? Business. It's for job hunting. तो यहाँ पे जब लोगों को जॉब ढूंढनी होती है तो अगर घर पे कंप्यूटर नहीं है या फिर किसी को जॉब ढूंढनी है तो यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकता है। What is this? Game. Online game. ओ, ये ऑनलाइन गेम्स हैं। ओ, Final Fantasy, League of Legends, और कौन? ओ, Steam पड़ा हुआ है, अपना लॉग इन करना होगा ना। मूवीज, यहाँ पे मूवीज और 18 प्लस।
ब्लर करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये वाला ब्लर करना पड़ेगा मुझे। ये 18 प्लस का सेक्शन थोड़ा धीमा चल रहा है, मुझे लग रहा है आसपास के कमरे वाले ना लगे पड़े हैं। तो VR का भी पता लगा है, 650 यानी है 24 घंटे का। तो मैंने भी क्रेडिट कार्ड डाला, स्क्रीन ब्लर होगी वो दिख रही होगी, एडिटिंग में करी होगी मैंने। तो 660 यानी 1 घंटे के लग रहे हैं, और इसमें VR के लिए। तो मैंने उसमें पासवर्ड डाल दिया और क्रेडिट कार्ड भी डाल दिया उसमें। फोन खुल गई है, अब मैं ढूंढ रहा था, कम से कम सिर्फ 5 मिनट से पुराना फोन भरा पड़ा है VR वाला। अब मुझे एंड में एक बटन दिखा छोटा सा, जूम ऑन दिस ऑफ करने का। अब मुझे गेम दिखे, तो VR का गेम अब खेलता हूँ। मुझे लगा मेरे 650 रुपये चले गए। VR? ओ, मैंने Oculus वगैरह यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये भी सही हिसाब है, अगर खरीदने का मन हो तो यहाँ आके खेल लो। ओह, देयर इज हार्ट। What do you have to do? 650 रुपये दिए इस गेम के लिए। तो कंप्यूटर आपको दिखा दिया, अब रूम जो है बस इतना चौड़ा है, देखो कैसे दिखाऊं, मतलब इतना चौड़ा इतना चौड़ा रूम है। और ये वाइड रूम आता है, मतलब ये स्पेशली 2 बंदों के लिए बनाए गए हैं, और या फिर किसी बंदे को थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए लगेज वगैरह इसके साथ आया हो। तो यहाँ पे रुकने के अलावा आप यहाँ पे शावर ले सकते हो, वॉशिंग मशीन है, 300 yen पड़ेगा एक बार वॉश करने के, और टॉवल है, वाईफाई है, सिगरेट नहीं पी सकते, और लिखा हुआ है वॉल्यूम थोड़ी कम रखनी है। बाकी इस कमरे में कुछ नहीं है, मतलब एक ही आपकी चेयर है और यही बेड है आपका, यही बेड है छोटा सा, सरंदर डाल लो, पैर उधर रख लो, और कंप्यूटर का आपको बता ही दिया, चौड़ा बस इतना चौड़ा है। तो ये होते हैं आगे इंटरनेट कैफे। तो रूम तो दिखा दिया, प्राइवेट रूम, और अभी चल के बाहर दिखाता हूँ मांगा वांगा का सीन। चलो बाहर ही चलता हूँ फिर। तो ये जो है यहाँ का ड्रिंकिंग सेक्शन है, सारा फ्री है, मतलब दोचे गाई जिंजर है। यहाँ पे आइसक्रीम की दूसरी मशीन, कॉफ़ी, ड्रिंक्स और बर्फ, ये सारा सेक्शन है। फिर यहाँ पे सेक्शन ये भी है, शो दिस, चॉकलेट सॉस, कैरमल, टूथपिक, और ये सारा सूप का सेक्शन है। तो ये सारा मांगा का सेक्शन है, कोई जानी पहचानी मांगा, बहुत सारी बुक्स हैं। गिफ्ट कार्ड भी मिल रहे हैं, गूगल प्ले, अमेजोन। तो इस तरह के इंटरनेट और मांगा कैफे पूरे जापान में फैले हुए मिल जाएंगे, कुछ महंगे हैं और तो कुछ सस्ते। अगर महंगे होंगे तो उसमें बिलियर्ड, डार्ट गेम, कराओके और भी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन जो सस्ते होंगे उसमें सिर्फ मांगा होगी या फिर इंटरनेट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ड्रिंक, शावर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है और बहुत सस्ते प्राइस पे, तो जापान में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो इन कैफ़े का यूज़ करती है, जिनके पास घर नहीं होता या फिर जो रेंट पे रहना नहीं चाहते, और टूरिस्ट तो यूज़ करते ही हैं। बाकी अगर बजट में ट्रैवलिंग करना है तो भी ये इंटरनेट कैफ़े यूज़ कर सकते हो, और अगर इन फ्यूचर जापान आओ तो यहाँ ज़रूर माथा टेकना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा।